जानकी अपने बहू बेटे और पति के साथ शहर में रहा करती थी। जानकी की बहू रानी एक संस्कारी बहू होने के साथ वर्किंग वूमेन भी थी। ऐसे ही एक दिन वरुण अपनी माँ जानकी से कहता है, माँ हमको गांव गए बहुत साल हो गए। जब मैं छोटा था ना तो शायद हम गए थे और अब जाते भी नहीं है। क्यों ना इस वीकेंड हम सब मिलके गांव चले, बहुत मजा आएगा माँ। लेकिन बेटा तेरी दादी बहुत सख्त मिजाज की है, मुझे तो पता है कि हर छोटी बात को बड़ा करने में कितनी माहिर है वो। अरे माँ आप भी क्या पहले की बात लेके बैठी हो। अरे बड़ी अम्मा आप थोड़ी कुछ बोल पाएंगी कर पाएंगी हा? अरे उनकी उम्र हो चुकी है, ज्यादा क्या करेंगी, ताने देंगी, सुन लेंगे और कैसे देंगी, दांत तो होंगे नहीं उनके। अरे बेटा ताने मार लेती तो मैं सह लूं। अरे तेरी बड़ी अम्मा तो ताने के साथ धारदार आरी जैसी जुबान से बातें फेंक कर मारती है जो जाकर सीधा सीने में लगती है। अपनी माँ की बुराई सुनकर मनोज दोनों के पास आता है। क्या बात है जानकी, बड़े ही दिल से मेरी माँ की बुराई करने में लगी हो, बड़ा सुकून मिल रहा होगा तुम्हें तो। अजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अम्मा की बड़ी बड़ाई कर रही थी ताकि हमारे घर के बच्चों को अम्मा के बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकूं बस। हाँ हाँ मुझे सब मालूम है और ये भी मालूम है कि कौन कितना पानी में है। बस अब मैंने तय कर लिया है कि जब तुम्हें अम्मा की इतनी याद आ ही रही है तो हम गाँव चलते हैं अम्मा से मिलने पूरे एक हफ्ते के लिए। वाह पापा क्या विचार है आपके, मजा आ गया। अब तो मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ। जब से हम गांव से शहर आए ना तब से मैं अपनी लाइफ मिस कर रहा हूँ गांव वाली। बेटा तू तो मिस कर रहा है, अब ये सोच कि हम तो सारे गांव वाले हैं, बहू वहाँ कैसे रहेगी बड़ी अम्मा के साथ। बहू आए तो उसे बता देना कि हम गांव जा रहे हैं, वो भी छुट्टी ले ले। जानकी का इतने कहने के बाद रानी भी घर आती है। वरुण रानी को गांव के बारे में बताता है। ये बात सुनकर रानी तैयारी करने लगती है। अगली सुबह सभी लोग गांव के लिए रवाना होते हैं। कुछ सफर तय करने के बाद सभी गांव पहुंचते हैं। वैसे ही मनोज बोलता है, अम्मा ओ अम्मा कहाँ हो, अरे देखो हम किसको लेकर आए हैं। देखो तो तुम्हारी बहुरिया और पोता को लेकर आए हैं, साथ में नई दुल्हनिया भी है। क्या हुआ पापा, बड़ी अम्मा घर पे नहीं है क्या? अब हम क्या करेंगे, कहाँ गई होंगी वो, मैंने कितना कुछ सोचा था लेकिन वो तो नहीं दिख रही। अच्छी बात है ना, अभी नहीं दिख रही है, कुछ देर के लिए शांति तो है, अगर अभी आ गई ना तो बस शुरू हो जाएगा उनका प्रवचन। माँ ऐसा क्यों कह रही हो, अगर आप बड़ी अम्मा के बारे में ये सब बोलोगी ना तो रानी क्या सोचेगी। अरे कुछ नहीं सोचेगी, बस धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा, बस कुछ देर शांति रहे जब तक तुम्हारी बड़ी अम्मा बाहर है, बस उतनी देर के लिए। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भगवती आती है और चश्मे को नीचे करके बोलती है, अरे मनोज बेटा तू, अरे रे कितने सालों बाद देख रही हूँ, और तू जानकी भूल गई, पैर कौन छुएगा और पल्लू कौन करेगा, जब से शहर गई है पल्लू करना भूल गई, और ये लड़का कौन है मनोज। अम्मा ये आपका पोता है वरुण, देखो तो कितना बड़ा हो गया है, और ये है हमारी बहू वरुण की लुगाई। लुगाई, अरे ना माथे में सिंदूर है ना कपार में बिंदी और ना साड़ी पहनी है, काहे की बहू। और जानकी तूने कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहुरिया को, देख तेरी जैसी बेशरम है तेरी बहू, बोल उसे पल्लू लेने को, ससुर है और अपना मुंह दिखाए पड़ी है। अरे अम्मा आप भी ना, छोड़ो ये सब बात और चलो अंदर, कब से बाहर खड़े खड़े थक गए हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। हाँ बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया है। क्या सोच रही है जानकी, चल अंदर, और जानकी अपनी बहुरिया को बोल कुछ ढंग के कपड़े पहने और सर पर पल्लू ले ले, समझी। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और जानकी और रानी फ्रेश होने कमरे में जाती है। माँ जी बड़ी सास की कितनी छोटी सोच है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई। और माँ जी बड़ी सास क्या कह रही थी, पल्ला ले लो, मैं साफ साफ बता देती हूँ माँ जी, मुझे ऐसे सर पर पल्ला नहीं लिया जाएगा। बहू ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे बड़े हैं, अगर तुम हमेशा बड़ों का अनादर करोगी तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। लेकिन माँ जी मुझे आदत नहीं है पल्लू लेने की, आपको अच्छे से पता है, फिर भी आप मुझसे ये कैसे कह सकती हो कि मैं सर पर पल्लू ले लूं, साड़ी पहनने तक तो ठीक है
लेकिन पल्लू मुझे गवारों की तरह नहीं रहना। अरे बहू बहुत हो गई बातें, अब जल्दी कपड़े बदल कर रसोई में आ जा, मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर रसोई में जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक शाम जानकी की बहू रानी बाहर से घर के अंदर आती है, तभी भगवती बोलती है, क्या रे बहुरिया कहाँ से आ रही है? देखो हमारे गांव में जब तक हो तब तक हमको बिना पूछे कहीं मत जाना और ना हमसे पूछे घर से अपनी कदम बाहर निकालना। क्यों बड़ी सासू अम्मा, ऐसा क्यों? मैं अपने शहर में हमेशा अकेली घूमती हूँ, काम पर जाती हूँ, यहाँ क्यों इतनी पाबंदी है? मुझे नहीं पता तेरे शहर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरे गांव में ये कुछ नहीं हो सकता। अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी सासू अम्मा, आपकी इतनी छोटी सोच को देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप आज भी वही हो। बस कर बहू, अम्मा के साथ कैसे बातें कर रही है? बड़ी है तो उनको पता है गांव के लोगों के बारे में, और हमारी भलाई के लिए ही वो मना कर रही हैं। मम्मी जी आप भी गांव आकर गांव की भाषा बोलने लग गई हैं शायद। आपकी भी सोच अम्मा जी की तरह होती जा रही है, एकदम इस गांव की तरह छोटी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अभी शहर जा रही हूँ, मुझसे नहीं होंगे इतने सारे नौटंकी। अरे हद है, साड़ी तक ठीक था, अब पल्लू भी ले लिया, अब बाहर भी इनकी मर्जी से जाऊं। घर के अंदर से रानी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर मनोज और अरुण जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, और रानी को इतने गुस्से में देखकर वरुण बोलता है, क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? आखिर क्या बात हो गई? हम गांव में हैं, जरा धीरे बात किया करो। ओहो अब मुझे यहाँ धीरे से बात भी करनी पड़ेगी, वाह मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर क्या हो गया, हम इतने दिन से यहाँ रुके हुए हैं, आज अचानक से तुम बड़ी माँ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हद हो गई, जब देखो कुछ ना कुछ, हमेशा किसी ना किसी काम के लिए रोक लगी ही रहती है। कभी बिना पल्लू के बाहर गई तो बोलती हैं, किसी को अपना चेहरा दिखाना है, पीरियड्स आ गए तो किचन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, किचन अशुद्ध हो जाएगा, और अब शाम को बाहर क्यों गई? अरे भाई इतनी छोटी सोच रखेंगी तो कैसे चलेगा? अम्मा के बारे में क्या बोले जा रही हो तुम, अम्मा की सोच ऐसी नहीं है। अरे मैं जानता हूँ अम्मा को। अच्छा तभी तो तुम्हारी अम्मा की बोलती बंद है, मुझे नहीं रहना अब इस गाँव में। अम्मा आप सबसे बड़ी सास हो, लेकिन आपकी सोच ना बहुत ही छोटी है। जैसे रानी अपनी दादी सास को छोटी सोच वाले ताने मार रही थी, तभी जानकी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अम्मा जी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बस कुछ बातें ना जानो तो अच्छा है। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, तुम्हें वरुण छोड़कर आएगा, हम नहीं आएंगे। ना जानकी तू भी ऐसी गलती करेगी तो कैसे चलेगा, जा बहू तू भी जा इनके साथ, मनोज बाद में आ जाएगा, वैसे भी तुझे भी हमसे बहुत तकलीफ है। एक मिनट अम्मा, अब हम भी आपके साथ रहेंगे, और इसको बता दूं कि अम्मा की सोच छोटी नहीं है, बस कुछ बातें हैं। सुन लो, पीरियड्स में तुम आराम करो इसीलिए अशुद्ध का बहाना बनाया, पल्लू इसीलिए लेते हैं क्योंकि गांव में धूल मिट्टी उड़ती है ना इसीलिए, और आज इसलिए बाहर जाने पे बोली क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम पर कोई और बलाया है, बस। रानी जैसे ही ये बातें सुनती है तो वो बड़ी अम्मा का पैर पकड़ लेती है और माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और हंसी खुशी कुछ दिन रुककर शहर चली जाती है। ऐसे ही अब साल में दो बार रानी और वरुण अपनी फैमिली से मिलने आते हैं।